हमारी कहानी जिस गांव से आई है उस गांव का नाम है अलीगढ़। गांव में बहुत सारे खेत हैं, गाजर के खेत, आलू, टमाटर, मकई, गेहूं, चावल, बहुत सारे फलों के भी खेत हैं। उस गांव में एक परिवार है, उसमें दीपक नाम का एक लड़का रहता है जो कहानी में बहुत खास है। दीपक अपनी बहन सोमिया, भाई मोनू, माता पिता और दादा दादी के साथ रहता है। जब वो पैदा हुआ तो उसके मम्मी पापा ने देखा कि दीपक का एक हाथ कटा हुआ है। उसके मम्मी पापा को लगता है कि जब वो बड़ा होगा तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए दीपक को वो उसके भाई बहन से कम प्यार करते हैं, खाना भी कम देते हैं। ये तो बड़ा होकर हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा। दीपक को दौड़ना बहुत पसंद है। गली नुक्कड़, रास्ता, खेत, वह सब को पीछे छोड़कर भागता ही रहता था। दौड़ने के वक्त वह अपने आप को आजाद महसूस करता है। दीपक बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का है, वो सबका बहुत ख्याल रखता है और हमेशा मदद करता है, तो इसीलिए उसके स्कूल के दोस्त उसे बहुत ही प्यार करते हैं और हर रोज उसके साथ अपने अपने टिफिन मिल बांट के खाते हैं। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने सब बच्चों को बुलाया। आसपास के गांव के स्कूलों के बीच में एक रेसिंग कंपटीशन रखा गया है। जो जीतेगा उसे मिलेगा 500 रुपए, एक ट्रॉफी और बहुत सारा प्यार। बच्चों ने आपस में बात की, सब ने कहा, दीपक यार तुम ही हमारे स्कूल के लिए दौड़ोगे। तुम तो कितना तेज दौड़ते हो। कंपटीशन के दिन सारे बच्चे रेस देखने के लिए आ गए। दीपक के सारे दोस्त उसे चिल्ला के हिम्मत दे रहे थे। दौड़ शुरू हुई। दीपक, 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 दीपक हवा के जैसे तेज भागा। दीपक, दीपक, ये दीपक जीत गया, दीपक जीत गया, हमारे स्कूल जीत गया। दीपक के दोस्त खुशी से पागल हो गए। दीपक ने अपने स्कूल और गांव का नाम रोशन कर दिया। दीपक को बहुत सारा प्यार और एक ट्रॉफी मिली, उसे 500 रुपए भी मिले। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने तो सोचा वो किसी काम का नहीं है, उसने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। दीपक ने सबको दिखाया, चाहे आप जैसे भी हो, मोटा या पतला, लड़की या लड़का, काला या गोरा या फिर बिना हाथ के, हमें सबको एक समान मानना चाहिए और सबको प्यार देना चाहिए। सबको हक होता है एक अच्छी जिंदगी जीने का और प्यार पाने का। और अब दीपक को खाने की कोई कमी नहीं है। आखिर सबको हक होता है खाने का और प्यार मिलने का।